वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फोन से जुड़ी हुई तीन सिंपल टिप्स, जो अगर आपको पता हो तो शायद आपका फोन यूज करने का थोड़ा सा समय बच जाए। सो लेट्स बिगिन। दिन भर में हमें कितने ही फ़ोन लगाने पड़ते हैं। कई बार हम रीसेंट कॉल्स में जाकर नंबर ढूंढते हैं, कई बार कॉन्टैक्ट्स में ढूंढते हैं, कई बार नंबर ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें इरिटेशन होने लगती है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे आप बहुत आसान तरीके से किसी भी फ़ोन का नंबर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमें डायलर खोलना है और T9 सर्च का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अपने फ़ोन का डायलर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर के साथ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 2 पे ABC, नंबर 3 पे DEF, नंबर 4 पे GHI। मान लीजिए आपको एप्पल केयर पर फ़ोन लगाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर पर नहीं अल्फ़ाबेट्स पर ध्यान देना है कि आप कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स प्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एप्पल में 5 लेटर्स हैं और आपको एप्पल टाइप करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट लेटर A के लिए नंबर 2 को एक बार दबाना पड़ेगा, फिर P के लिए 7 को एक बार दबाना पड़ेगा, एक और बार P के लिए 7 को एक और बार दबाना पड़ेगा, L के लिए नंबर 5 को एक बार दबाना पड़ेगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि L जो है वो अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे है, JKL, लेकिन फिर भी हमें 5 नंबर एक ही बार दबाना है। और उसके बाद E के लिए नंबर 3 को एक बार दबाना है। हमें सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक बार ही प्रेस करना है। तो इस तरह से एप्पल का कोड बन जाता है 27753। ये 27753 से हमने एक्चुअली में कीपैड में टाइप किया है एप्पल। तो जैसा कि आप सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं कि ऊपर एप्पल टोल फ्री नाम से नंबर आ चुका है, तो अब आप इसे डायल कर सकते हैं। अभी पहली बार देखने में आपको शायद थोड़ा सा कठिन लगे, पर आप इसको धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्टैक्ट्स के लिए ट्राई कीजिए आप एक बार। इससे आपको कॉन्टैक्ट्स ढूंढने का समय या फिर कॉल लॉग्स में लंबे लंबे टाइम तक स्क्रॉल करने का समय काफ़ी हद तक बच जाएगा और ये बहुत आसान है। इस वीडियो का दूसरा हैक है टाइपिंग से रिलेटेड। बेसिकली ये कीबोर्ड सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आप इससे आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। आप स्क्रीन पर घूमती हुई कुछ लाइनों को देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैं टच कर रहा हूँ अपनी फिंगर को स्वाइप करते हुए। मैं बस स्क्रीन पर जिन लेटर्स को लिख रहा हूँ उनकी तरफ उंगलियों को घिस रहा हूँ और लेटर्स ऑटोमेटिकली टाइप होते जा रहे हैं। इस टाइपिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्पेस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हर एक शब्द के बाद स्पेस अपने आप लग जाता है। तो हमें सिर्फ मेहनत करनी होती है शब्द टाइप करने के लिए। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपको एक लाइन टाइप करनी है, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप एक एक कैरेक्टर्स को लिखेंगे इस तरह से, WHATA स्पेस ARU स्पेस YOU स्पेस TOING स्पेस ? चलिए अब सेम लाइन में आपको स्वाइप से लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए, उसी लाइन को स्वाइप से लिखने पर ये कितनी जल्दी लिखा जाती है। देखिए, इसके लिए मुझे करना कुछ नहीं होता है। जब मुझे लिखना होता है व्हाट, तो उसकी स्पेलिंग होती है WHAT। उसके लिए हमें कीबोर्ड पर ये देखना होता है कि WH और A और T किस किस लोकेशन पर है। अब हमें अपनी उंगली को W से शुरू करके H और A से होते हुए T तक लेकर जाना है। तो हम स्वाइप करेंगे WHAT। जैसे ही हम इसको लिखते हैं ऊपर ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाता है व्हाट। इसके बाद स्पेस नहीं लगेगा। जैसे ही आप अगला वर्ड लिखेंगे, जैसे कि हमारा अगला वर्ड है RARE, ये देखेंगे आपके ऑटोमेटिक स्पेस भी लग चुका है और हमारा नेक्स्ट वर्ड भी लिखा जा चुका है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस इसे कर लेते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ हो जाती है। ये हमारी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बना देती है। तीसरा जो हैक निकल के आता है वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है की मैसेज। ये एक बहुत ही टाइम सेविंग एप्लीकेशन है। मैंने नोटिस किया है मेरे पास ही कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस, बैंक्स के मैसेजेस आते रहते हैं जो कि हमारे मेन मैसेजेस के साथ मिक्स हो जाते हैं। जस्ट इन केस अगर हमें किसी टेक्स्ट की ज़रूरत हो तो सर्च करने में बड़ी दिक्कत आती है। ये एप्लीकेशन एक्चुअली करती क्या है, ये सारे मैसेजेस का सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। इसके अंदर आपको कंपनी के मैसेजेस और पर्सनल मैसेजेस की दो अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। इसका मतलब आपके सारे पर्सनल मैसेजेस अलग और सारे कंपनी के मैसेजेस अलग। मैसेजेस को ढूंढना आसान, कैटेगराइज करना आसान। ये एप्लीकेशन काफ़ी हद तक टाइम बचा देती है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है,
इसकी मैसेज एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास कोई OTP आएगा, यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक मैसेज खुद को ही भेज के देखता हूँ। मान लीजिए आपके फ़ोन में इस तरह से कोई मैसेज आया, योर OTP इज 111111, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, और मैं इसे साइन करके तुरंत होम पे आऊँगा ताकि मैं आपको डेमो दिखा पाऊँ कि ये किस तरह से मैसेज आता है। आप देख सकते हैं ऊपर एक बैनर है जिसमें कहाँ से मैसेज ये लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद OTP जो है वो ब्लू कलर के बैनर के आगे लिखा हुआ है ताकि हम उसे क्लियरली देख पाएँ। अब मान लीजिए समय पर आप Paytm यूज़ कर रहे हैं तो ये बैनर आपके सामने आएगा और आपको क्लियरली पूरा मैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन उसमें से आपको OTP निकाल कर बाहर दे रही है। साइड में ही आपको एक ऑप्शन आता है कॉपी करने का और डिलीट करने का, आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं यहीं से पेस्ट करने के लिए, या फिर सिंपली इसे यहाँ से देख के नीचे एप्लीकेशन में टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन हमारा काफ़ी समय बचा देती है। तो कैसे लगी आपको एक 3 टाइम सेविंग हैक्स, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।